हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आलू की माशाल्लाह रायता आपके साथ शेयर कर रही हैं। बहुत जबरदस्त रायता है, आप सालन की बगैर इसको खा सकते हैं। जरूरी नहीं आप लोग डेली सालन पकाएं, आप लोग ये माशाल्लाह रायता भी बना के खा सकते हैं। बहुत मजेदार है, सफेद राइस के साथ माशाल्लाह, रोटी के साथ। अभी स्टार्ट करती है कि किस तरह बनाए हैं, आपके साथ शेयर करती है। देखते रहे माशाल्लाह आज की मजेदार रेसिपी। क्योंकि रायते के लिए हमें चाहिए आलू। ये आलू मैंने काट लिए, मगर मुझे चाहिए सिर्फ ये आलू चाहिए। एक आलू है, इसको इसका टुकड़ा करके अभी इसको कर लेंगे बॉयल। इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। अभी इसको बॉयल करके आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आलू माशाल्लाह गल गया है, सॉफ्ट हो गए। अभी इसका चूल्हा ऑफ करते हैं। ये हमें चाहिए ये धनिया है, हरा धनिया, और ये पुदीना है थोड़ा सा, और ये है लहसुन और अदरक की पेस्ट है। दो लहसुन है और एक छोटा टुकड़ा अदरक की है, और ये भुना मसाला है। इसमें है सफेद जीरा, साबित लाल मिर्च और धनिया साबित और काली मिर्च साबित है। ये तकरीबन आप टीस्पून है। ये चारों मसाले इसको भून लिए, फिर इसको कुंडे के अंदर कूट लिए। और इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च। जो स्पाइस ज्यादा पसंद करते हैं वो ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम तो कम। अगर आपको चाहिए बच्चों के लिए अगर आप बनाओगे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने लिए बनाओगे तो ये आप भी डाल सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ये अंदर कूट रहे हैं। आप मशीन के अंदर भी पेस्ट बना सकते हैं। रायता माशाल्लाह बनाएंगे, ये सबसे पहले इसमें शामिल करती है नमक, क्योंकि आलू के अंदर भी पहले से सॉल्ट है ना, मैंने डाल दी आपके सामने। इसके बाद इसमें ग्रीन ग्रीन मसाला ऐड कर लेंगे और अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी इसको कर ली मिक्स। अभी इसमें ये भुना मसाला शामिल कर ले, इसको भी मिक्स कर ले। बाद ये आलू थोड़ा इसको हाथ की मदद से थोड़ा मैश कर ले, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, जो आपको कैमरे के सामने दिखा रही है। अभी इसमें ये 1 टेबल स्पून ऑयल है और ये लहसुन है। इसमें 1 लाल मिर्च ऐड कर ले। अभी इसमें 1 चुटकी जीरा ऐड कर ले, सफेद जीरा है। अभी ये इसको सूरत से माशाल्लाह बाउल के अंदर इसको ऐड कर ले। अभी इसको देंगे तड़का। अभी इसमें ऐड करती है तड़का। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह रायता हो गए रेडी। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत मजेदार माशाल्लाह यमी सी माशाल्लाह रायता की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई है। आप इसको रमजान में भी बना सकते हैं माशाल्लाह। अफ्तारी के टाइम माशाल्लाह पकौड़े के साथ भी आप खा सकते हैं, और पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ। अभी इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।